मनुष्य अपने ही हाथों कर्म का जाल बुन करके और जन्म जन्मांतर के लिए उसी में बंध जाता है और छटपटाता रहता है। यहाँ संसार में जितने भी लोग आए हैं, आपके परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, वो सब ऋणानुबंध से आए हैं। किसी ने किसी से कुछ लिया है तो किसी ने किसी को कुछ दिया है और सब अपना ऋण चुकाने आए हैं। जिसने लिया है, किसी को दुख पहुंचाया है अथवा किसी से सुख लिया है, तो सभी अपना ऋण चुकाने इस संसार में आते हैं और जन्म लेकर के उस ऋण को चुकाना पड़ता है। परिवार में भी जो आपके बेटे, बहू अथवा माँ बाप मिले हैं, सब ऋणानुबंध से मिले हैं। जो ये कर्मों की गति है अत्यंत गहन है, कर्मणस्य गहना गति ही। इसलिए इस कर्मों से छुटकारा कैसे पाएं, इसके लिए बस एक ही उपाय है, सर्वतोभावेन भगवान की शरण में चले जाना। भगवान ने कहा है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्तमत्वर अनन्येन योगिन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् प्रार्थ मय्यावेशितेतसाम। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के एक लेख में ये उदाहरण मिलता है कि एक महात्मा जी विचरण किया करते थे और जहाँ जाते थे तो दक्षिणा में उन्हें मुहरें मिलती थी। अब कुछ मुहरें उनके पास आ गई तो उनके मन में ये विचार आया कि इसको प्रयाग में जब मेला लगे तो सभी संतों का निमंत्रण किया जाए, सबको भोजन पवाया जाए, सबको दक्षिणा दिया जाए। तो उन्होंने एक मोटा बांस का डंडा बनवा लिया था, ऊपर से चूड़ी उसमें चूड़ीदार बनवा लिया था ताकि खुल सके। अब महात्मा है, देखो धन जो है वो अगर आता तो गृहस्थी के यहाँ से है, पर उसका अगर तुरंत संत महात्माओं की सेवा में लग जाए, धर्म में लग जाए, तब तो ठीक है, पर संग्रह करना ठीक नहीं होता। पर उनके मन में एक विचार आया कि ज़्यादा मुहरें इकट्ठी हो जाएंगी तो हम प्रयाग मेले में संतों का भंडारा कर देंगे। तो महाराज जी उस बांस के डंडे में सारी मोहरे रखते जाते थे। एक दिन की बात हुई, किसी गांव में पहुँचे और शाम हो गई तो पता लगाया कि यहाँ कोई धर्मालु व्यक्ति है, धर्मनिष्ठ है। तो लोगों ने उन्हें बताया और वे उनके पास गए। उन लोगों ने खूब अच्छे ढंग से महात्मा का सत्कार किया, बढ़िया भोजन पवाया और सुला दिया। अब वो जो मकान का मालिक था, उसने महात्मा जी के डंडे को देखा कि ये इतना मोटा और ऊपर से चूड़ीदार भी है, तो इसमें कुछ न कुछ तो राज होगा। अब महात्मा जी तो बढ़िया भोजन पाए, पूड़ी हलवा खा करके सो गए। रात्रि हुई तो उन्होंने अपने पत्नी को बुलाया और कहा कि स्वामी जी का डंडा लेकर आओ। और जब वो लेके डंडा गई तो उन्होंने देखा और जब खोल करके देखा तो बहुत सारी मोहरें मिल गईं और रख लिया। मन ही मन प्रसन्न हुआ, कैसे संत महात्मा तो हमेशा आते रहे। अब उसने पत्नी से कहा, ठीक
इसी वजन की इसी नाप की कंकड़ ले आओ, पत्थर ले आओ। उसने उस डंडे में मोहरे निकाल करके वो कंकड़ पत्थर भर दिए और वजन उतना ही ले जाके महात्मा जी के सिरहाने रख दिया। महात्मा जी तो सो रहे थे, सुबह उठे और चल दिए। उन्हें विश्वास था मोहरे हैं। अब प्रयाग में आए, भंडारा के लिए एक महंत को कह दिया कि भंडारा करेंगे, सब संतों का निमंत्रण कर दो, सबको दक्षिणा दिया जाएगा, भोजन पवाया जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं होने लगी। जिस सज्जन ने कहा कि महाराज कुछ तो दे दीजिए ताकि व्यवस्था हो सके, उन्होंने कहा देखो भैया, मैं तो सब कुछ संपन्न होने पर सब दे दूंगा, आप अभी लगा करके अपना करो। वो आश्वस्त थे कि मेरे पास तो मोहरे है ही हैं, मैं सब अदा कर दूंगा। भंडारा हो गया, निमंत्रण हो गया, सारे सामान बनने लगे और तब आकर के उस सज्जन ने कहा कि महाराज जी, अब तो रसोई भी बन रही है, संतों का निमंत्रण हो गया है, कुछ तो पैसा दे दीजिए, अन्यथा मैं इसके आगे नहीं कर पाऊंगा और दक्षिणा नहीं हो पाएगी संतों की। मेरे पास जो था मैंने सब कुछ लगा दिया। उन्होंने देखा, अपने डंडे को खोल करके सोचा कि कुछ मोहरे दे दूं इनको, और जब वो खोल के देखते हैं तो उनमें से एक भी मोहर नहीं, सब कंकड़ पत्थर निकले। और महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और जिन्होंने पैसा लगा करके सारी व्यवस्था की थी, उन्होंने कहा अरे आप महात्मा होकर के छल कपट का काम करते हो, पहले क्यों नहीं बताया, मेरे पास औकात होती तो करता, नहीं तो मैं न करता, पर आपने तो मुझे धोखे में रखा। अब वो संत जी ध्यान से अंदर गए अपने और देखा कि मेरे साथ छल कपट किस व्यक्ति ने किया है। वो सीधे वहाँ से गए संगम में और डूब करके अपने प्राण दे दिए। उधर वह जो किसान व्यक्ति था जिसने मुहर चुराई थी, उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, बड़ा हर्षोल्लास हुआ, उसमें काफ़ी धन खर्च हुआ, काफ़ी धन खर्च हुआ। उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था में धन खर्च होने लगा। कुछ दिन के बाद वह बालक बीमार पड़ गया। अब तो सारा कारोबार उनका धीरे धीरे ठप पड़ने लगा, दुकान व्यवसाय सब बंद पड़ गए, आमदनी का स्रोत जाता रहा, पर बालक ठीक ना हो। और अब वो कंगाल हो चुके थे, उनके पास कुछ बचा नहीं था। बेटे के पास गए तो बेटे ने कहा कि देखो ऐसा करो कि लगता है मैं बचूंगा नहीं, तुम लोग एक काम करो कि घर बेच दो और प्रयाग में चल करके भंडारा करो, यही मेरी अंतिम इच्छा है, और है तो सब मेरा ही। वो लोग ममता में आसक्त थे, प्रयाग आए और वो महात्मा जी उन सबको लेकर के गंगा तट पर गए संगम के पास और जा करके उनको बताया कि देखो मैं वही आपका पुत्र बन के आया हूँ जिन महात्मा की मुहरे तुमने चुराई थी और कंकड़ पत्थर भर दिए थे। वो दोनों वहीं पर गिर के छटपटाने लगे और बताया कि मैं वही महात्मा हूँ जो तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। ये है ऋणानुबंध।
अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि संसार में लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि किसी को किसी प्रकार की चोट न पहुँचे, किसी के धन को हरण करने का प्रयास न करें और कर्मों को बहुत ही सोच समझ करके करें, और जो भी कर्म करें वो भगवान को समर्पण कर दें, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा कर्मों से बचने का कोई उपाय नहीं है।